telling you about lymphatic system. See, as we have arterial system in our body, venous system in our body, we have one more system that is known as lymphatic system in our body. जितना भी हमारा interstitial fluid है जो tissues से आ रहा है, ठीक है ना, that is carried by capillaries, those are known as lymph capillaries. अब lymph capillaries are just, these capillaries are adjacent, you know, they are totally adjacent to where your artery and AV anastomosis, जहाँ पे artery is draining into capillary and then veins are starting, ठीक है, ये अब उसके adjacent ही पड़ा होता है, ठीक है. So now the interstitial fluid, it is taken up by this system. The system comprises of, अब interstitial fluid गया capillaries में, those are your lymph capillaries. From lymph capillaries, then the lymphatic vessels, they will arise. ठीक है, लिम्फैटिक वेसल्स ने कहाँ जाना है, वो लिम्फैटिक वेसल जो है वो एज एन एफरेंट इट विल एक्ट एंड इट विल एंटर द लिम्फ नोड. वंस इट इज एंटरिंग द लिम्फ नोड, वो एफरेंट था, दैट इज गोइंग इनसाइड द लिम्फ नोड, वहां पे द लिम्फ गेट्स क्लियर्ड एंड देन एज एफरेंट दिस वेसल विल कम आउट. ठीक है ना, एफरेंट ये बाहर आ गया लिम्फ नोड से. उसके बाद आफ्टर दिस दिस विल बी ड्रेन्ड इनटू अ डक्ट दैट इज नोन एज लिम्फैटिक डक्ट. ठीक है, तो हमारी बॉडी में राइट साइड लिम्फैटिक डक्ट है और एक लेफ्ट साइड होती है. जो लेफ्ट साइड की है दैट इज योर थोरेसिक डक्ट, और जितना भी लिम्फ हमारा राइट साइड का जाएगा वो राइट लिम्फैटिक डक्ट में जाता है. ठीक है, सो नाउ दीज द राइट लिम्फैटिक डक्ट, इट विल ओपन वेयर, इट विल ओपन एट द जंक्शन ऑफ योर सबक्लेवियन एंड योर इंटरनल जुगुलर वेन. तो इससे जाना हमारी वीनस सिस्टम में ही है, जितना भी लिम्फ जाएगा वो वीनस में जाएगा. ठीक है, सो जंक्शन ऑफ सबक्लेवियन वेन एंड इंटरनल जुगुलर वेन, दिस लिम्फैटिक, द राइट लिम्फैटिक डक्ट विल ओपन. नाउ लेफ्ट साइड में क्या है, द होल ऑफ लिम्फैटिक वेसल्स, ठीक है ना, दे विल ओपन इन टू योर थोरेसिक डक्ट. फ्रॉम दी थोरेसिक डक्ट दे आर गोइंग टू ड्रेन अगेन इन टू योर सबक्लेवियन एंड इंटरनल जुगुलर वेन के जंक्शन में ये ड्रेन करेगा. ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट लिम्फ कैपलरीज, नाउ जो लिम्फ कैपलरीज है, इफ यू कंपेयर इट विद ब्लड कैपलरीज, देयर डायमीटर इज मोर एज कंपेयर टू ब्लड कैपलरीज. ठीक है, now and they are located just next to your normal capillaries. ठीक है, then is your lymphatic vessels, if we talk about, they have valves. ठीक है, ताकि retrograde हमारा lymphatic body में collect ना हो पाए, so they have valves. ठीक है, if these valves are incompetent then the condition can arise like lymphedema. पूरा जैसे लोअर लिम पूरा ही स्वेलिंग हो जाएगी, दैट इज लिम्फ एडिमा. ठीक है ना, सो लिम्फ विल कलेक्ट इन द लोअर लिम, सो दैट इज द कंडीशन इन लिम्फ एडिमा. ठीक है, देन दिस लिम्फैटिक सिस्टम इज अगेन इंपॉर्टेंट इफ यू नो व्हेन द मेटास्टेटिक सेल्स दे माइग्रेट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है ना, सो दिस इज द अप्लाइड एस्पेक्ट कि लिम्फ एडिमा हो जाता है. ठीक है, मेटास्टेसिस ये लिम्फैटिक सिस्टम इज वेरी कॉमन. ठीक है, देन देयर आर अराउंड फोर यू नो इन आवर बॉडी वी हैव there are lymphatic organs also, like we have lymph nodes hai, spleen hai, palatine tonsil hai, tonsil ho gaya, theek hai, and then thymus hai. So these are all the lymphoid organs which are present in our body. So if I talk about the lymph node, ab lymph node kiska bana hai na, theek hai, histologically if you look at it, the outer layer is known as the capsule. ठीक है, कैप्सूल के नीचे आपका पूरा लिम्फेटिक नोड्यूल पड़ा है. अब लिम्फेटिक नोड्यूल किसका बना हुआ है, दे ऑल आर फॉर्म्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स, और पेरिफेरी पे आपके टी लिम्फोसाइट्स हैं. ठीक है, जैसे सेल आपका मैच्योर होने लगेगा बीच में एक सेंटर बनता है, दैट इज नोन एज जर्मिनल सेंटर. सो लिम्फ नोड में वी विल फाइंड द कैप्सूल, देन वी विल फाइंड लिम्फोइड फॉलिकल्स. ठीक है, लिम्फोइड फॉलिकल्स है बी सेल्स, यू विल फाइंड योर जर्मिनल सेंटर देयर, दैट इज फॉर्मिंग एन एरिया दैट इज कॉर्टेक्स. जो अंदर वाला एरिया है ऑफ द लिम्फ नोड दैट इज नोन एज मेडुला. देयर यू विल हैव ब्लड वेसल्स, वहां पे हमारे बी लिम्फोसाइट्स पड़े होंगे, बट व्हाट विल दे आर डिस्पर्स्ड, दे आर नॉट फॉर्मिंग अ नोड्यूल. ठीक है, नाउ द सेकंड ऑर्गन इफ यू टॉक अबाउट इज योर पैलेटाइन टॉन्सिल. पैलेटाइन टॉन्सिल जो सबसे डिमार्केटिंग फीचर है इसका, यू विल हैव एपिथीलियम, यू हैव स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथीलियम. ठीक है, एंड देन बिलो द एपिथीलियम देर विल बी लॉट्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू विच विल बी प्रेजेंट. लिम्फोइड लॉट्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू विल बी प्रेजेंट. ठीक है, दिस वॉज योर पैलेटाइन टॉन्सिल. देन वी कम टू थाइमस. अब थाइमस में भी वॉट इज हैपनिंग इज द कैप्सूल विल डिप डाउन एंड इट विल फॉर्म ट्रेबिक्यूले. इसकी वजह से द थाइमस इज डिवाइडेड इन टू लोब्स. ठीक है, इधर आपके यू हैव द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला. इधर भी द सेल्स आर योर लिम्फोसाइट योर बी लिम्फोसाइट्स, एंड इसमें जो आपका थाइमस है इसमें हमें एक डिमार्केटिंग फीचर मिलता है, दोज आर नोन एज हेसल्स कॉर्पसल्स. जो हेसल्स कॉर्पसल्स दे आर डिजनरेटेड सेल्स. ठीक है ना, दे फॉर्म अ
होमोजेनस एक पिंक कलर का मास बनाते हैं, दैट इज योर हैसल कॉर्पसल्स, ठीक है. देन इज योर स्प्लीन. स्प्लीन इज अगेन अ लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है. इसमें भी यू हैव कैप्सूल, देन ऑन टू कैप्सूल है, ट्रेबिक्यूले होंगे, कैप्सूल डिप्स डाउन एंड इट इज फॉर्मिंग ट्रेबिक्यूले. आफ्टर दैट यू हैव योर बी यू हैव योर रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प इज सीन इन दी स्प्लीन. सो दिस इज वॉट दीज आर दी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन अ बॉडी, ठीक है ना. एंड दे ऑल आर दी लिम्फोइड ऑर्गन्स. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर वाइवा वर्से. दे आर दी डिफरेंट की लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से हैं, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम. सो लिम्फेटिक सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू.